हेलो दोस्तों, होप आप सभी अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, बालों का झड़ना एक आम बात है। आप चाहे महिला हो या फिर पुरुष, थोड़े थोड़े बालों का झड़ना फिर उनका रीग्रो होना एक आम बात है। डिपेंडिंग अपॉन वेरियस चेंजेस जैसे कि हेल्थ इश्यूज या फिर एनवायरमेंटल चेंज होना, इस वजह से इतनी तेजी से हेयर फॉल होने लगता है कि लिटरली बैल्ड पैचेस तक नजर आने लग जाते हैं। But don't worry, maximum cases में hair loss reversible होता है। So let's see what all can be done to treat thinning and hair loss। दोस्तों, आप अपने बालों में ऊपर ऊपर से कुछ भी लगा लें, वो तब तक नहीं काम करेगा जब तक कि आप एक प्रॉपर डाइट नहीं फॉलो करते हैं। तो अगर आपने अभी तक एक प्रॉपर डाइट नहीं शुरू किया है तो अभी कर लीजिए, देर नहीं हुई है। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे करें, क्या क्या अपने डाइट में शामिल करें, बहुत सिंपल है। आप अपने डाइट में हर वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स शामिल कर सकते हैं जो कि रिच होता है फैटी एसिड्स में, प्रोटीन में हाई होता है और जिसमें विटामिन ए, बी, सी और ई होता है। और साथ ही नट्स, सीड्स और एग्स भी इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में। दोस्तों, हेयर लॉस का दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है स्ट्रेस। दोस्तों, आजकल की बिजी लाइफ में हम थोड़े से कुछ जरूरी और बाकी सारी बेफिजूल चीजों पर अपना स्ट्रेस लेवल हाई करते जा रहे हैं और यही स्ट्रेस लेवल हमारी सेहत पर बुरा असर डालता है, जिसमें से एक हेयर फॉल भी शामिल है। और अपने स्ट्रेस लेवल को थोड़ा कम करने के लिए आप योगा, मेडिटेशन और फिजिकल एक्सरसाइजेस वगैरह कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ हम हेयर रीग्रोथ की बात कर रहे हैं तो आप प्राणायाम में अनुलोम विलोम जरूर ट्राई करें और इनके अलावा 6 से 8 घंटों की एक अच्छी पूरी नींद काफी जरूरी है स्ट्रेस कम करने के लिए। और नेक्स्ट है जेंटल हेयर केयर। जहाँ आपके बाल पतले होकर झड़ रहे हैं वहाँ आप अपने बालों पर शक्ति कैसे दिखा सकते हैं? मेरा मतलब है, जब भी आप कोम करें, कोशिश करें एक सॉफ्ट हेयर ब्रिसल्स वाले हेयर कोम यूज करें और हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स जैसे ब्लो ड्रायर और हेयर स्ट्रेटनर्स वगैरह कम यूज करें। सबसे बेहतर होगा कि ना यूज करें कुछ टाइम के लिए। जहाँ बात केमिकल बेस्ड शैम्पू और कंडीशनर की आती है, कोशिश करें सल्फेट एंड पैराबन फ्री प्रोडक्ट्स ही यूज करें और आप जितने भी फ्रिक्वेंसी में अपने बाल धोते हैं उसे थोड़ा कम करें। मतलब अगर आप हफ्ते में 2 बार शैम्पू करते हैं तो उसे कृपया करके 1 बार करें और 1 बार सिर्फ आप पानी से साफ करें। दैट विल कम्प्लीटली जस्टिफाई। इसके अलावा हर दिन आपको सोने से पहले लगभग 5 से 10 मिनट आपको हेयर मसाज करना चाहिए। आप अपने स्कैल्प में अच्छे से मसाज अगर करते हैं तो इससे ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा होता है, जिससे कि हेयर रीग्रोथ होने में मदद मिलती है। जब भी आप मसाज करेंगे कोशिश करें एसेंशियल ऑयल्स यूज करेंगे और एसेंशियल ऑयल्स हमेशा किसी कैरियर ऑयल के साथ ही यूज करें। सबसे बेस्ट कैरियर ऑयल जो होता है वो कोकोनट ऑयल होता है। अब कुछ होम रेमेडीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे कि पतले झड़ते हुए बालों की रोकथाम आप कर सकेंगे। पहला है अनियन। इसका जूस आप अपनी स्कैल्प पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। दूसरा है फेनुग्रीक यानी कि मेथी। इसको आप या तो पाउडर फॉर्म में या फिर इसका पानी आप हेयर मास्क वगैरह में यूज कर सकते हैं। तीसरा है एलोवेरा जेल। इसे आप इधर हेयर मास्क में या फिर डायरेक्टली इस जेल को अपने स्कैल्प में लगा सकते हैं। दोस्तों, इन सभी इंग्रेडिएंट्स को रेगुलर यूज करने से बालों पे एक प्रोटेक्टिव लेयर से बनने लगती है, बाल मजबूत और थिक होने लगते हैं और साथ ही नए हेयर भी रीग्रोथ होना शुरू होता है। दोस्तों, अगर इन सारे रेमेडीज के बावजूद अगर हेयर कंडीशन में कोई सुधार नहीं आ रहा है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ना भूलें। थोड़ा सा पेशेंस और पॉजिटिव वाइब्स हमें हमारी लाइफ में काफी अच्छे चेंजेस ला सकती हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये कंटेंट पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है। अगर लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए एक्साइटिंग रेमेडी के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्लोइंग। बाय बाय।